हाँ भाई, क्या हाल है? मैं ठीक, तू सुना क्या बात है? तेरे तो हालात ही बदले नजर आ रहे हैं। बस ऐसा ही समझ यार भाई, नोटों में खेल रहा है। और अभी बस 2 दिन पहले दुबई से वापस आया हूँ। ना कर, हमें भी बता। अपना तो इधर काम ठप हुआ पड़ा, सब्सक्राइबर्स बनने का नाम ही नहीं ले रहे। अबे छोड़ यूट्यूब को, मेरे साथ लग जा। असकरना कुछ नहीं, थोड़ी सी रकम लगेगी और मार्केटिंग करनी और इंटरनेशनल कंपनी की प्रोडक्ट बेचनी है और बस जानने वालों को साथ शामिल करना है और फिर क्या, जितने बंदे तेरे नीचे शामिल होंगे उनका कमीशन भी तुझे मिलेगा और तू बनेगा सेठ। अच्छा ये बता, पैसे कितने लगेंगे? बस ज्यादा नहीं, सिर्फ 50,000 और थोड़ी सी मेहनत से 20 दिनों में पैसे डबल हो जाएंगे। अच्छा इतने तो नहीं है। अबे किसी से पकड़ ले, सिर्फ 20 दिनों की तो बात है, या फिर कुछ बेच दे। हाँ ये ठीक है, अब्बू उमड़े पे गए हैं, उनकी बाइक बेच देता और उनके वापस आने पर नई मोटरसाइकिल दिलवा दूंगा। हाँ हाँ ठीक है, पैसे भेज सुबह ही। Several days later. आज की ताजा खबर, एक मशहूर कंपनी लाखों लोगों के पैसे लेकर फरार हो गई। मैं तो लूट गया। यकीनन आप में से भी बहुत से लोगों का वास्ता इस तरह की स्कीम से पड़ा होगा, और अगर नहीं पड़ा तो जल्द या देर वास्ता पड़ जाएगा, और उस वक्त लालच आपको अपनी या अपने अब्बा जी की जिंदगी की जमा पूंजी इस तरह की स्कीम्स में इन्वेस्ट करने पर उकसाएगी, जिनमें कम वक्त में ज्यादा मुनाफा और आपको अपनी जिंदगी के तमाम ख्वाब पूरे करने का ख्वाब दिखाया जाता है। और इसके लिए आपको बगैर किसी हुनर के सिर्फ इन्वेस्टमेंट के साथ एक मशहूर कंपनी के साथ जुड़ने का मौका मिलता है। आज हम इस वीडियो में ऐसी स्कीम्स के बारे में बात करेंगे जिनको आम जबान में पिरामिड पोंजी या MLM स्कीम्स कहा जाता है, और वीडियो के आखिर में आपको एक ऐसी पिरामिड स्कीम के बारे में बताया जाएगा जिसमें इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी और मुनाफा सबका है। पोंजी स्कीम धोखाधड़ी का एक ऐसा चालाक तरीका है जिसमें कम इन्वेस्टमेंट के साथ एक मशकूक कंपनी आपको अपनी जिंदगी के तमाम ख्वाब पूरा होने का ख्वाब दिखाती है। हकीकतन या तो वो कंपनी सिर्फ कागजों पर होती है या उसका बिजनेस वो नहीं होता जो आपको बताया जा रहा होता है। कंपनी का असल मकसद ज्यादा से ज्यादा लोगों को कंपनी के साथ जोड़ना और इन्वेस्टमेंट के नाम पर पैसे बटोरना होता है। आपको बताया जाता है कि कंपनी मुनाफे में है और अपनी कामयाबी के झंडे हर जगह गाड़ चुकी है, लेकिन हकीकतन या तो प्रोडक्ट्स बहुत ही घटिया क्वालिटी की होती हैं या मार्केट के लिहाज से ओवर प्राइस्ड होती हैं। कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर बे इंतहा प्रॉफिट के साथ आपको इस बात की यकीन दहानी करवाता है कि आपको सिर्फ प्रॉफिट होगा या नुकसान का अंदेशा बे इंतहा तौर पर कम है। आपको कंपनी के बारे में बताते हुए इंतहाई चालाकी के साथ एक कॉम्प्लेक्स किस्म का स्ट्रक्चर समझाया जाता है जिसे आम तौर पर ज्यादातर आवाम समझ नहीं सकती, या सिर्फ कुछ खास पॉइंट्स बताकर बे इंतहा प्रॉफिट का लालच दिया जाता है, और सबूत के तौर पर पहले से कमाने वाले अफराद का लाइफस्टाइल, बैनुल अक्वामी दौरों और सेमिनार की तस्वीर दिखाकर आपको कायल किया जाता है। दरअसल कंपनी का मालिक जब बिजनेस शुरू करता है तो वो शुरू के अफराद को बे इंतहा प्रॉफिट देकर कायल करता है, और जाहिर बात है जब किसी को इतना प्रॉफिट मिले तो अपनी जिंदगी के तमाम दूसरे धंधे छोड़कर इसी काम पर लग जाता है और अपने इर्द गिर्द के लोगों को मुतासिर करता हुआ कंपनी के बिजनेस या फिर ऐसा कहा जाए कि कंपनी के इन्वेस्टमेंट में बे इंतहा इजाफा करता है, और इस तरह ये नेटवर्क फैलता चला जाता है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह आता है कि अगर कंपनी बिजनेस नहीं कर रही या प्रॉफिट नहीं कमा रही तो लोगों को देने का पैसा कहां से आता है? दरअसल ये नए आने वाले लोगों की इन्वेस्टमेंट होती है जो पुराने लोगों के अंदर बांट दी जाती है। पैसे का फ्लो इस सारे काम में इंतहाई जरूरी है। जब नए लोग पैसे देते जाएंगे तो पिछले लोगों को प्रॉफिट मिलता जाएगा, जैसे ही नए लोगों की इन्वेस्टमेंट आना बंद हो जाती है तो ये पूरी इमारत धड़ाम से नीचे गिर जाती है, और कंपनी का मालिक तमाम पैसे लूटकर उन्हीं ममालिक में भाग जाता है जिनकी आपको पहले से तस्वीर दिखाई जाती है। दरअसल जब आपको कायल करने के लिए तस्वीर दिखाई जाती है तो आपको असल में बताया जा रहा होता है कि देखो ये वही मालिक हैं जहां एक दिन कंपनी का मालिक आपकी ही जिंदगी की सेविंग से अयाशी करेगा और आप हंसी खुशी अपनी जिंदगी का सारा सरमाया उनके हवाले कर देते हैं। इस बात को इस तरह समझा जा सकता है कि एक शख्स मसलन अली दो लोगों को कायल करता है कि आप मुझे 1-1 लाख दीजिए, मैं आपको 2-2 लाख वापस करूंगा। दोनों शख्स कायल हो जाते हैं और 1-1 लाख जमा करवा देते हैं, तो इस तरह इस बिजनेसमैन के पास टोटल 4 लाख जमा हो गए। अब इस बिजनेसमैन को 4 लाख वापस करने होते हैं जो कि वो उसे हंसी खुशी अपने इन्वेस्टमेंट से वापस कर देता है, और वो दो लोग खुश होकर अपने करीबी लोगों से भी इस बिजनेस में इन्वेस्ट करवाते हैं। मसलन वो दो शख्स अब 10 नए अफराद को ले आए। अब अली के पास 10 लाख नए जमा हो गए जिसमें से वो कुछ कमीशन उन दो अफराद को देता है और बाकी तमाम रकम उसकी अपनी जेब में जाती है। अब इन 10 अफराद को पैसे वापस करने की तारीख आने से पहले ये 3 अफराद मिलकर और लोगों को कायल कर चुके होते हैं। मसलन 20 अफराद नए शामिल
शामिल हो गए। अब उनके पैसों से इन 10 अफराद का प्रॉफिट वापस कर दिया जाता है और इस तरह ये 10 लोग भी मेहनत के साथ नए बकरे तलाश करने के चक्कर में लग जाते हैं और पिछले अफराद की रकम के लिए नई इन्वेस्टमेंट ढूंढ चुके होते हैं और इस तरह ये नेटवर्क इतना बढ़ जाता है कि कुछ ही अरसे में बात करोड़ों तक पहुंच जाती है। यहां पर ये भी याद रखने की बात है कि ऊपर के अफराद में से ज्यादातर लालच में पैसे वापस इन्वेस्ट कर चुके होते हैं और इस तरह तमाम का तमाम पैसा पहले शख्स के पास जमा हो रहा होता है। अब जब तक नए लोग आते रहेंगे तो पिछलों को प्रॉफिट मिलता रहेगा और पैसा दोबारा से दोबारा जमा भी होता रहेगा, पर जैसे ही इन्वेस्टमेंट आना बंद हुई या इतनी कम हो गई कि ऊपर के अफराद को देने के लिए पैसे अब मौजूद नहीं है, तो उस वक्त ये स्कीम अपने इख्तिताम को पहुंचती है और वो पहला शख्स तमाम लोगों के पैसे लेकर फरार हो चुका होता है। इस पूरी स्कीम को रॉबिंग पीटर टू पे पॉल या इसकी टोपी उसके सर के लिहाज से भी समझा जा सकता है। पोंजी स्कीम का नाम चार्ल्स पोंजी नामी शख्स के नाम पे पड़ा, जब चार्ल्स पोंजी ने 1919 में $20 मिलियन का फ्रॉड किया। वैसे इस तरह की स्कीम्स का वजूद काफी पहले से है, लेकिन असल शोहरत इसको चार्ल्स पोंजी की स्कीम ने दिलवाई। 1882 में इटली में पैदा होने वाला ये शख्स जब अच्छे रोजगार और अच्छे मुस्तकबिल की तलाश में इटली से अमरीका आया तो उसके मुताबिक उसकी जेब में सिर्फ $2.5 थे। अमरीका में कामयाबी ना मिलने के बाद वो कनाडा चला गया और एक बैंक में असिस्टेंट टेलर की नौकरी शुरू कर दी और यही उसको रॉबिंग पीटर टू पे पॉल की स्कीम के बारे में पता चला। जब उसने देखा कि उसका बैंक आम बैंकों से ज्यादा मुनाफा दे रहा है, जिसकी वजह से ज्यादा लोग उस बैंक के अंदर पैसे जमा करवाने लगे, लेकिन चार्ल्स पोंजी उस वक्त हैरान हुआ जब बैंक के मैनेजर ने उसको बताया कि बैंक तो संगीन मौशी हालात का शिकार है और वो लोगों को मुनाफा नए खुलने वाले बैंक अकाउंट्स के डिपॉजिट से अदा कर रहा है। बैंक आखिरकार फेल हो गया और बैंक का मालिक तमाम लोगों के पैसे लूटकर मेक्सिको भाग गया। फिर चार्ल्स पोंजी ने 1919 में अमेरिका वापस आकर इंटरनेशनल रिप्लाई कूपन्स का काम शुरू किया, जब उसने IRC के सिस्टम में लूप होल्स देखा, जिससे वो तारीख का एक ऐसा फ्रॉड शुरू करने वाला था जिससे उसका नाम रहती दुनिया तक याद रखा जाना था। इंटरनेशनल रिप्लाई कूपन एक ऐसा निजाम था जिससे कोई शख्स अगर किसी दूसरे मुल्क में किसी को खत लिखता है तो वो कूपन लेकर उस खत के अंदर डाल दिया करता था, जिससे खत का जवाब देने वाले को जवाबी खत के लिए रकम अदा नहीं करना पड़ती थी। इस कूपन को दूसरे मुल्क में रकम के और तब्दील भी करवाया जा सकता था। पहली जंग अजीम के बाद इटली में महंगाई की वजह से इन कूपन की कीमत काफी गिर चुकी थी। चार्ल्स पोंजी ने देखा कि अगर इन कूपन को इटली से खरीद कर अमरीका के अंदर तब्दील करवाया जाए तो 400% तक मुनाफा हासिल किया जा सकता है। इसने अपने करीबी लोगों को इस चीज को एक बिजनेस मॉडल के तौर पर मुतारिफ करवाया और उनसे इन्वेस्टमेंट करने का कहा और इनको 50% तक मुनाफे का कहा, जो कि बैंक के मुनाफे से कहीं ज्यादा था। लोगों ने इन्वेस्ट किया और चार्ल्स पोंजी ने उनको मुकर्रर वक्त पर तमाम रकम वापस कर दी, जिससे लोगों ने दोबारा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता लोग बैंकों को छोड़कर चार्ल्स पोंजी के पास पैसे डिपॉजिट करवाने लगे। लेकिन इन्वेस्टर्स इतने ज्यादा बढ़ गए कि चार्ल्स पोंजी के लिए इन कूपन को मंगवाना और उसको रकम में तब्दील करवाना नामुमकिन बन गया और पोंजी स्कीम को चलाने के लिए नए आने वाले लोगों के इन्वेस्टमेंट से पुरानों को मुनाफा देने लगा और एक वक्त ऐसा आया कि पोंजी के 15,000 इन्वेस्टर्स की रकम को कूपन में तब्दील करवाने के लिए पोंजी को इतने कूपन की जरूरत थी कि एक पूरा टाइटैनिक जहाज भरकर लाना पड़ना था। लोगों के इन्वेस्टमेंट के ओज कूपन की तादाद जो चाहिए थी वो तकरीबन 160 मिलियन थी और मार्केट में सिर्फ 27,000 कूपन सर्कुलेशन में थे। अब पोंजी का असल बिजनेस बुरी तरह तबाह हो चुका था और पोंजी के पास सिर्फ दो हल थे कि या तो वो बिजनेस बंद करके भाग जाए या नए आने वाले इन्वेस्टर्स की रकम से पुरानों को मुनाफा देता रहे और दुआ करे कि नए इन्वेस्टर्स आते रहे, जो कि नामुमकिन था क्योंकि अगर पूरी दुनिया भी इन्वेस्ट कर देती तो फिर भी एक वक्त ऐसा आना था कि नए लोग मौजूद नहीं होने थे और यही हुआ। पोंजी ने लालच की वजह से स्कीम को जारी रखा। पुराने इन्वेस्टर्स के मुनाफे की तादाद इतनी ज्यादा बढ़ गई कि नए आने वाले इन्वेस्टर्स की रकम उसको पूरा ना कर सकी और इस वजह से पोंजी को गिरफ्तार कर लिया गया और ये पूरा खेल अपने इख्तिताम को पहुंचा और इस तरह पोंजी ने सिर्फ एक साल में $20 मिलियन का फ्रॉड करके एक ऐसा खेल रचा कि आती दुनिया तक उसका नाम याद रखा जाना था। चार्ल्स पोंजी ने अपनी आखिरी जिंदगी इंतहाई गुर्बत में गुजारी और वो मरते वक्त आंखों से अंधा और फालिज का शिकार हो चुका था। आप यकीनन समझ रहे होंगे कि यहाँ पे क्या हुआ, किस तरह एक शख्स ने लोगों को एक ऐसा बिजनेस मॉडल मुतारिफ करवाया जो देखने और सुनने में तो बहुत अच्छा लगता था लेकिन हकीकी तौर पर वो प्रैक्टिकल नहीं था। किस तरह ये स्कीम मुतासरीन को इस बात पर यकीन दिलाती है कि मुनाफा जायज कारोबारी सरगर्मियों जैसे मसनूआत की फरोख्त या कामयाब सरमायादारी से आ रहा है और वो इस बात से बेखबर रहते हैं कि असल में दूसरे सरमायाकार ही फंड्स का असल जरिया है। पोंजी स्कीम को पहचानने के लिए कुछ बातों का ख्याल रखना चाहिए कि अगर इन्वेस्टमेंट के साथ बहुत ज्यादा मुनाफा मौजूद है या आपको जीरो रिस्क की गारंटी दी जा रही है तो ये एक पोंजी स्कीम हो सकती है, क्योंकि दुनिया का हर बिजनेस कुछ ना कुछ रिस्क के साथ आता है और खास तौर पर ऐसे बिजनेस जिसके अंदर मुनाफा बे इंतहा हो तो उनके अंदर रिस्क भी उतना ही ज्यादा होता है। हमेशा याद रखिए कि दुनिया की किसी भी इन्वेस्टमेंट में मुनाफे की शरह कम या ज्यादा होती रहती है, तो हमेशा कंपनी के सालाना रिटर्न्स देखिए। अगर कंपनी के सालाना रिटर्न्स एक जैसे हैं या पॉजिटिव हैं तो ये एक मशकूक कंपनी हो सकती है। कंपनी की रजिस्ट्रेशन चेक कीजिए कि क्या वो कंपनी आपके मुल्क की फाइनेंशियल रेगुलेटरी अथॉरिटी से रजिस्टर्ड है या नहीं। जैसे कि
अगर पाकिस्तान के लिहाज से बात की जाए तो कंपनी का स्टेट बैंक या SECP से रजिस्टर्ड होना बहुत जरूरी है। ऐसी तमाम इन्वेस्टमेंट्स जिनका समझना आपके लिए मुश्किल है उनसे परहेज कीजिए। या अगर किसी की या आपकी रकम एक ऐसी इन्वेस्टमेंट में लगी है जिससे पैसा निकालना मुश्किल हो रहा है या मुनाफा मिलने के बाद आपको इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि आप दोबारा रकम को इन्वेस्ट कीजिए, तो ऐसी तमाम इन्वेस्टमेंट्स भी पोंजी स्कीम के अंदर लगने का शुबा है। अब बात करते हैं पिरामिड स्कीम्स के बारे में। पिरामिड और पोंजी स्कीम्स तकरीबन एक जैसी होती हैं। फर्क सिर्फ ये होता है कि पिरामिड स्कीम में किसी प्रोडक्ट या बिजनेस मॉडल की जगह तमाम जोर नए मेंबर्स के ऊपर लगाया जाता है। एक इन्वेस्टर जितने ज्यादा नए इन्वेस्टर्स को स्कीम में लाने में कामयाब होगा, स्कीम से उतना ज्यादा मुनाफा कमा सकेगा। लेकिन ज्यादा पैसा पिरामिड स्कीम में ऊपर की जानिब मुंतकिल होता है। पिरामिड स्कीम में आप जितना ज्यादा ऊपर के लेवल पर होंगे, आपका पैसा कमाने का मुनाफा उतना ज्यादा और रिस्क फैक्टर उतना ज्यादा कम होगा। पोंजी स्कीम और पिरामिड स्कीम में एक और फर्क मार्केट टेक्निक्स का होता है। मसलन पोंजी स्कीम्स में फेक अकाउंट स्टेटमेंट्स दिखाकर इन्वेस्टर्स को ये बावर करवाया जाता है कि मुनाफा जायज कारोबारी सरगर्मियों से आ रहा है, जबकि पिरामिड स्कीम में इन्वेस्टर्स को नए इन्वेस्टर्स लाने की टेक्निक सिखाई जाती है और ऐसे टूल्स सिखाए जाते हैं जिससे इन्वेस्टर्स को नए इन्वेस्टर्स लाने में मदद मिलती है। स्कीम का मालिक आमतौर पर ऐसे लोगों की तलाश करता है जिनकी तालीमी काबिलियत कम होती है या ऐसे लोग जिनका फाइनेंस से ज्यादा ताल्लुक नहीं होता। ऐसे लोगों को तलाश किया जाता है जो मजबूर होते हैं और रोजगार को बढ़ाने के मौके तलाश कर रहे होते हैं, और फिर जब उसको स्कीम के बारे में एक ऐसा शख्स प्रेजेंटेशन देता है जो ये दावा करता है कि वो स्कीम से बेइंतहा प्रॉफिट कमा चुका है, तो वो शख्स कायल हो जाता है और इस सारे चक्कर में स्कीम के बारे में जरूरी मालूमात हासिल करने से परहेज करता है। उस शख्स को बताया जाता है कि किस तरह उसने स्कीम को नए मेंबर से मुतारिफ करवाना है और हर नए आने वाले मेंबर का कमीशन उस शख्स को मिलेगा, और ना सिर्फ उनका बल्कि उसके लाए हुए मेंबर जब और लोगों को शामिल करेंगे तो उनका कमीशन भी इस शख्स को मिलेगा। और इस तरह वो शख्स एक ऐसा ख्वाब देखना शुरू करता है जिसका पूरा होना नामुमकिन होता है, क्योंकि अपने जैसे लोगों को तलाश करना और फिर उनसे इन्वेस्ट करवाना एक इंतहाई मुश्किल काम है, क्योंकि पिरामिड स्कीम के हर नए लेवल पर ज्यादा से ज्यादा नए इन्वेस्टर्स की जरूरत होती है। इसको आप ऐसा समझें कि अगर एक शख्स को 6 नए अफराद लाने का टास्क दिया गया है तो उससे नीचे के लेवल पर 36 नए अफराद की जरूरत होगी, फिर उससे नीचे 216, उससे नीचे 1296 और करते करते सिर्फ 13वें लेवल पर 13,006 करोड़ से ज्यादा अफराद की जरूरत होगी, जो कि इस पूरी दुनिया की आबादी से कहीं ज्यादा है। और इसीलिए पिरामिड स्कीम का डिजाइन ही ऐसा होता है कि उसका जवाल या उसका कोलैप्स होना लाजमी होता है। तो इस तरह की स्कीम में जो शख्स जितना ऊपर के लेवल पर होता है वो उतना ज्यादा मुनाफा उतना ज्यादा सेफ होता है। लेकिन पिरामिड स्कीम में ये जानना कि कौन सा लेवल चल रहा है नामुमकिन सी बात है। तो कंपनी जितनी ज्यादा पुरानी होगी, कंपनी के बंद होने का चांस उतना ही ज्यादा होगा। और इस तरह इस पूरी स्कीम का फायदा इस स्कीम को बनाने वाले को ही होता है, क्योंकि तमाम के तमाम मेंबरान इस स्कीम के मालिक के नीचे होते हैं और सब मेंबर्स का कमीशन सबसे ऊपर वाले शख्स को लाजमी पहुंचता है। अब चूंकि पिरामिड स्कीम में मौजूद ज्यादातर अफराद पिरामिड स्कीम के सबसे निचले लेवल में होते हैं, तो इसलिए ज्यादातर लोगों को नुकसान होता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इस तरह की स्कीम को किस तरह पहचाना जाए, क्योंकि जिस तरह हर चीज ने तरक्की की है, इस तरह पिरामिड स्कीम भी नई शक्लों में मार्केट में मौजूद है और लोगों को पिरामिड स्कीम इतना उलझा कर समझाई जाती है कि उनके लिए इस स्कीम को पहचानना कि ये पिरामिड है या नहीं एक इंतहाई मुश्किल काम है। अगर आप पिरामिड स्कीम को पहचानना चाहते हैं तो याद रखिए कि अगर आपको एक ऐसी स्कीम से मुतारिफ करवाया जा रहा है जिसमें ज्यादा जोर प्रोडक्ट की सेल की बजाय ज्यादा से ज्यादा लोगों को शामिल करने, तो मोस्ट लाइकली एक पिरामिड स्कीम हो सकती है। अगर आपको शक हो कि कोई जेन्युइन प्रोडक्ट या सर्विस नहीं दी जा रही या जो चीज या सर्विस बेची जा रही है उसकी वैल्यू मार्केट के लिहाज से काफी ज्यादा है या उस चीज का मार्केट में ज्यादा ट्रेंड नहीं है, जैसे कि कुछ टेक सर्विसेज या जैसे ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग वेबसाइट्स होती हैं, या अगर फैंसी प्रोडक्ट्स का लेबल लगाकर नेटवर्क मार्केटिंग पर ज्यादा जोर लगाया जा रहा है, तो इस तरह की सर्विसेज भी पिरामिड स्कीम्स के जुमले में आती हैं। याद रखिए कि इजी मनी या पैसिव मनी नाम की कोई चीज नहीं होती। अगर आपको थोड़ा काम करने के बदले ज्यादा मुआवजे की पेशकश की जा रही है, जैसा कि ऑनलाइन पेमेंट्स करना, नए मेंबरान को शामिल करना या घटिया सी वेबसाइट्स पर ऑनलाइन इश्तिहारात लगाना या उनको देखना, ऐसी तमाम स्कीम पिरामिड स्कीम्स हो सकती हैं। और अब आपको ऐसी स्कीम्स के बारे में बताते हैं जो लीगल तरीके से इलीगल काम करने का पोटेंशियल रखती हैं। इनको MLM या मल्टी लेवल मार्केटिंग कहा जाता है। ये दिखने में पोंजी या पिरामिड स्कीम्स की तरह लगती हैं, या ऐसा कहा जाए कि ज्यादातर पोंजी और पिरामिड स्कीम्स MLM का सहारा लेकर अपने आप को लीगल शो करवाती हैं। पहले समझते हैं कि MLM स्कीम्स होती क्या है। मल्टी लेवल मार्केटिंग ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटजी है जिसमें प्रोडक्ट या सर्विसेज की फरोख्त के लिए डिस्ट्रीब्यूटर्स को हायर किया जाता है और इन डिस्ट्रीब्यूटर्स को प्रोडक्ट्स की फरोख्त पर कमीशन दिया जाता है। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूटर्स को
पाने का एक और प्लान भी दिया जाता है, जिसमें पिरामिड स्कीम्स की तरह कंपनी में ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर लाने का टास्क दिया जाता है। लेकिन फर्क यहाँ आता है कि पिरामिड या पोंजी स्कीम्स में असल प्रोडक्ट के सर्विस मौजूद नहीं होती, जबकि यहाँ पर कंपनी प्रोडक्ट्स को अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को देकर उनसे पैसे चार्ज कर लेती है और फिर ये प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूटर्स को अपने जानने वालों को आगे बेचना होती है, जिस पर उन्हें कमीशन मिलता है। इसके अलावा ये डिस्ट्रीब्यूटर्स जिनको ये प्रोडक्ट्स बेचते हैं उनको एक या दो प्रोडक्ट्स की बजाय पूरा पैकेज लेकर कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर बनने पर रजामंद करते नजर आते हैं। MLM कंपनीज भी अपने काम के लिए ज्यादातर ऐसे अफराद को ढूंढती हैं जो बुरे मौशी हालात का शिकार होते हैं, जिनके पास स्किल नाम की कोई चीज नहीं होती, या ये कहा जाए कि मार्केटिंग स्किल्स की कमी होती है, जो कमीशन पर काम करने पर राजी होते हैं और जिनको जल्द से जल्द अमीर बनना होता है। अब ये डिस्ट्रीब्यूटर्स कंपनी से सामान लेकर इनको बेचने के लिए अपनी एक अलग टीम तशकील देते हैं, क्योंकि आमतौर पर कंपनी की प्रोडक्ट या तो क्वालिटी वाइज अच्छी नहीं होती या मार्केट के लिहाज से काफी ओवर प्राइस्ड होती है। बहरहाल ये सब डिस्ट्रीब्यूटर्स मिलकर कंपनी की प्रोडक्ट्स को बेचते हैं और अक्सर MLM कंपनीज मिलियंस ऑफ डॉलर्स का मुनाफा कमाती हैं, जिसकी वजह से मुनाफे का कुछ हिस्सा डिस्ट्रीब्यूटर्स में तकसीम किया जाता है और उसमें से भी ज्यादा हिस्सा MLM के डिस्ट्रीब्यूटर पायरामिड के ऊपर के लेवल के डिस्ट्रीब्यूटर्स में तकसीम होता है। अब इन ऊपर के डिस्ट्रीब्यूटर्स को चैंपियन बनाकर कॉन्फ्रेंसेज और सेमिनार्स में दिखाया जाता है, जिससे एक ऐसा खूबसूरत धोखा शुगर कोटिंग के साथ दिखाया जाता है, जिससे आम लोगों को ये तासुर जाता है कि कंपनी तो बेइंतहा प्रॉफिट में है और कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर बनकर हर शख्स अपनी जिंदगी को तमाम नेमतों से मालामाल कर सकता है। इन चैंपियन डिस्ट्रीब्यूटर्स के बाहर के मुल्कों के दौरे करवाए जाते हैं और इन दौरों की तस्वीर को कंपनी का हर डिस्ट्रीब्यूटर अपने गले में बांध कर घूमता है और नए बकरे तलाश करता है। अक्सर MLM कंपनियां खुद अपनी रकम का इस्तेमाल करके इन ऊपर वाले डिस्ट्रीब्यूटर्स को ऊपर लगाती हैं, ताकि नीचे के लेवल के डिस्ट्रीब्यूटर्स को ऐसे ख्वाब दिखाए जाएं जो कभी पूरे नहीं होने होते, क्योंकि ज्यादातर MLM कंपनियों के चलने के लिए नीचे के लेवल के डिस्ट्रीब्यूटर्स का फेल होना इंतहाई जरूरी होता है, क्योंकि कंपनी में जितने ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे कंपनी को उतने ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स को कमीशन देना पड़ेगा, जो कि एक वक्त ऐसा आता है जब कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर्स की कमीशन कंपनी के मुनाफे से ज्यादा हो जाती है। MLM कंपनियां बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक किस्म के फिक्रों से नए लोगों को कायल करती हैं। इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो? लोगों को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारने के ख्वाब दिखाए जाते हैं, बल्कि MLM कंपनीज का सेल्स प्रिंसिपल भी सेलिंग द ड्रीम्स है। यूनाइटेड स्टेट्स की फेडरल ट्रेड कमीशन की वेबसाइट्स पर शाया होने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक 350 MLM कंपनियों का जायजा लेने के बाद इस बात का पता लगाया गया कि MLM कंपनीज में शामिल होने वाले 99% अफराद हमेशा नुकसान उठाते हैं। आप खुद सोचिए कि अगर आप एक कंपनी बनाते हैं तो क्या आप अपनी कंपनी में स्किलफुल अफराद को रखना पसंद करेंगे या फिर हर किसी को मुंह उठाकर कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर बना देंगे। MLM कंपनीज बहुत चलाकी के साथ प्रोडक्ट्स को मार्केट में बेचने की बजाय अपने ही डिस्ट्रीब्यूटर्स को इन्वेस्टमेंट प्लान्स के अल्फाज इस्तेमाल करके बेच देती हैं, जबकि प्रोडक्ट्स ओवर प्राइस्ड होने की वजह से कुछ अरसा उनके घर पड़े रहने के बाद ज्यादातर डिस्ट्रीब्यूटर्स के घर वाले ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। मतलब आप सोचिए कि आपके घर राशन पूरा नहीं हो रहा और आपने किसी से उधार पकड़कर या अपनी जिंदगी की कुछ सेविंग्स को उठाकर हजारों या लाखों की फेस क्रीम्स या लोशन खरीद लिए हो। एक अच्छी कंपनी अपनी प्रोडक्ट्स को मार्केट में लाती है, अपना नाम बनाती है, जबकि MLM कंपनी के प्रोडक्ट्स मार्केट की बजाय रिश्तेदारों में बिक रही होती हैं। और अगर इन प्रोडक्ट्स में कोई मसला पेश आ जाए तो फंसता वो डिस्ट्रीब्यूटर है जो अपने कर्ज के पैसों से कंपनी को मुनाफा देकर सुहाने ख्वाब देख रहा है। ये सच है कि बहुत से ममालिक में MLM कंपनीज लीगली तौर पर काम कर रही है और इन पर पिरामिड या पोंजी स्कीम्स की तरह बैन नहीं लगा, लेकिन ये भी सच है कि इन कंपनीज के ज्यादातर डिस्ट्रीब्यूटर्स नुकसान में रहते हैं। चाइना जैसे बहुत से ममालिक इन कंपनीज को बैन कर चुके हैं और बहुत जल्द MLM कंपनीज पर भी कानूनी बैन लग सकता है। तो हमेशा याद रखिए कि कोई भी ऐसी स्कीम्स जिन पर आपको शक भी हो कि वो पोंजी पिरामिड या MLM स्कीम से मुशाबत रखती हैं, तो ऐसी तमाम बिजनेस अपॉर्चुनिटीज से परहेज कीजिए। इनकी बहुत सी मिसालें सामने आ चुकी हैं। जैसे अगर पाकिस्तान की बात कर ली जाए तो डबल शाह जैसे लोगों को पैसा डबल करने का वादा करके मिलियंस का फ्रॉड कर चुके हैं। अगर आप किसी ऐसी स्कीम पर एतवार सिर्फ इस वजह से करते हैं कि इस स्कीम को काम करते हुए काफी अरसा गुजर चुका है या वो कंपनी करोड़ों का बिजनेस कर रही है, तो आपको बर्नी मैडोफ का नाम याद रखना चाहिए, जिसने एक ऐसी पोंजी स्कीम चलाई जिसमें वो हजारों इन्वेस्टर्स के अरबों डॉलर के साथ खेलता रहा और उसने तकरीबन $65 बिलियन का फ्रॉड करके तारीख के सबसे बड़े फ्रॉडिये का एजाज हासिल किया। बर्नी मैडोफ ने ये सब कैसे किया, इसके ऊपर बात किसी और वीडियो में करेंगे। इसके अलावा पिशावर में P/ नामी कंपनी
एक लाख से ज्यादा लोगों के 5 बिलियन रुपए लेकर रातों रात फरार हो गई और इन 1 लाख लोगों के हिस्से में सिवाय पछतावे के कुछ ना आया। तो कभी भी ऐसी स्कीम्स में इन्वेस्ट करने से पहले 1000 दफा सोचिएगा, बल्कि सोचिएगा ही नहीं, जिसमें आपको शक भी हो कि वो आपको कंपनी का असल बिजनेस के बारे में नहीं बता रहे, या किसी भी तरह पिरामिड स्कीम से मिलती जुलती हो, या रजिस्टर्ड ना हो, या आपके लिए उसका स्ट्रक्चर समझना इंतहा मुश्किल हो, क्योंकि अब बहुत सी कंपनियां इन तमाम पोंजी पिरामिड और MLM स्कीम्स के हाइब्रिड स्ट्रक्चर पर काम कर रही हैं और इनके पास आपको कायल करने के नए तरीके और नए फॉर्मूले मौजूद हैं। आखिर में आपको एक ऐसी पिरामिड स्कीम के बारे में बताते हैं जिसमें सबका फायदा है। नॉलेज को आगे बांटने से ना तो इन्वेस्टमेंट लगती है और ना ही किसी का नुकसान होता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब का बटन दबाकर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए, ताकि आप और हम मिलकर एक ऐसा पिरामिड तश्कील दे सकें जिसमें सबका फायदा हो और जिसमें नॉलेज और इन्फॉर्मेशन हर लेवल तक पहुंच सके।